प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1967 शुक्रवार को सातवीं बीच की आज में पांचवी लाइन में बात चल रही थी हमारे पास ये बैज रहना चाहिए। अगर समझो कि अंदर नहीं है तो भला पॉकेट में ही रखो और घड़ी घड़ी देखो उस चित्र को। उस चित्र को या उन चित्रों को बैज में चित्र तो कई एक हैं। त्रिमूर्ति का, तीन देवताओं का चित्र है, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, फिर दूसरी ओर कृष्ण का या लक्ष्मी का या नारायण का चित्र है। तो बताया उस चित्र को देखो क्या कि हम चित्र को देखा और फिर चित्र पलट दिया, हम ये बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? चित्र को जिसको हम देखते हैं एक कोना, उसको देख देख करके हम ये बन रहे हैं, बाप की याद से बन रहे हैं। एक की याद से बन रहे हैं कि अनेकों की याद से? एक की याद से बन रहे हैं, क्योंकि याद से हमारा विकर्म सब विनाश हो जाएगा। जो विपरीत कर्म किए हैं वो तो देवताई आत्माएं हो या कोई भी प्राणी मात्र हो, वो देह होती है तभी तो विकर्म हुए हैं। है कौन सी दुनिया में? है इस राक्षसी दुनिया में विकर्म हुए हैं। द्वैतवादी जब दूसरे दूसरे धर्म राज्य आते हैं इस दुनिया में, तो उसको याद करो जिसको अपनी देह ही नहीं, विदेही है। तो क्या होगा? विदेह को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तो अभी ये याद की यात्रा चाहिए। कौन सी? ऐसे को याद करना है जिसको अपनी देह है ही नहीं, विदेही है। तो उसकी याद जरूर चाहिए बच्चे। तो ये तीर्थ यात्रा हुई ना, याद की यात्रा, वो जिस्मानी यात्रा है और ये रूहानी यात्रा। अपन को रूह आत्मा समझ करके आत्माओं के बाप को याद करो, जो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बीज मनुष्य में आता है ना, तो उस मनुष्य को देह होती है या नहीं होती है? होती तो है, परंतु उसको आप समान बनाए देता हूं। आप समान माने देह होते हुए भी क्या हो जाता है? विदेही। विदेही माने देह की स्मृति नहीं रहती है, इसलिए उसकी यादगार में ये लिंग बनाया। अब मेरे को तो लिंग होता नहीं, ना आंख कान को, मेरे को कोई अंग होता है क्या? मेरे को माने शिव को नहीं होता है। हाँ, जिसे मैं मुकर्रर रूप से आता हूं उसको वो अंग भी होता है, जिसे कामांग कहा जाता है, और जिसको जीतना मनुष्य मात्र के लिए बहुत कठिन है, असंभव है। क्यों? क्योंकि काम जीते
जगत जी और सारे जगत के ऊपर जीत पाने वाला एक ही होगा या दो चार जगत जीत होंगे? विश्वनाथ तो एक ही होगा ना। तो बताया ये याद की यात्रा है कि जो विश्वनाथ बनता है वो कब बनता है? जब देह की याद और देह की इंद्रियों की याद और देह की इंद्रियों से जो भी संबंध जोड़े हैं उन संबंधों की याद बिल्कुल ना आए, एकदम रूहानी स्टेज में टिका रहे। तो ये हुई तुम्हारी रूहानी यात्रा। क्या किसको याद करते हो? अपन को आत्मा समझे, आत्माओं के बाप को किसमें याद करते हो? उस देहधारी में याद करते हो जिसकी देह निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती है। वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं वो गुरु लोग, और तुम रूहानी यात्रा कराते हो। उनकी यात्रा है भटकने की यात्रा है, भटकते रहते हैं भटकते रहते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। और ये यात्रा में शांति से बैठो, भटकने की कोई दरकार है ही नहीं। भले उठो बैठो घूमो फिरो लेकिन मन बुद्धि से है, हाँ मुझ रूह को सुप्रीम रूह को याद करो। किसमें याद करो? अरे तुमको कोई सुप्रीम रूह की तरह रूह बन करके ही थोड़े ही रहना है, तुमको तो देह भी धारण करनी है। तो उस देहधारी को याद करो जो मेरे समान है, देह से भी और आत्मा से भी निराकारी स्टेज में टिक जाता है। समझा ना? भले तुम खाते भी हो पीते भी हो तभी बाबा कहते हैं ना कि तुम बैठ करके खाते। उस समय में अपन को आत्मा समझ करके क्या समझो, आत्मा इस मुख के द्वारा खाती है, ऑर्गन्स के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो रस स्वाद सभी आत्मा को आती है, शरीर को तो नहीं आता है ना, शरीर तो जड़ है। स्वाद चैतन्य लेता है कि जड़ शरीर लेता है? चैतन्य आत्मा स्वाद लेती है। तो देखो आत्मा अलग हो जाती है और शरीर शरीर अलग हो जाता है। तुमको ऐसे समझने में पता कुछ भी नहीं पड़ता है। आत्मा तो बिगर शरीर बोल भी नहीं सकती है, कुछ कह भी नहीं सकती, परंतु ये तो सभी समझते हो बच्चे कि आत्मा में ही ये सभी संस्कार हैं, अच्छा बोलने के बुरा बोलने के, कर्म इंद्रियों से अच्छा कर्म करने के बुरा कर्म करने के। बुरा कर्म क्या होता है? किसी को दुख देना ये बुरा कर्म है, और सुख देना अच्छा कर्म है। तो ये सुख दुख देने के आधार पर फिर ये जन्म होते हैं। कोई ने ज्यादा दुख दिया है, मान लो कोई ने है क्या किया, बहुत हाथ पांव चलाए है, और हाथ पांव चला करके लात घूंसा थप्पड़ चला चला के खूब पिटाई की लोगों को, तो क्या होगा अगले जन्म में? लूला और लंगड़ा लंगड़ा बन जाए है। तो अगला जन्म मिलता है ना फिर किस आधार से है? अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है, समझे ना? अगर कुछ खोटा काम किया होगा तो फिर खोटों के पास जन्म लेंगे क्या है? अच्छा काम किया होगा तो अच्छों के साथ संग मिलेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धन 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 दान करते रहेंगे तो उनको उनको तो फिर अल्पकाल क्षण भंगुर मिलेगा। क्यों?
क्योंकि धन तो अल्पकाल एक जन्म के लिए ही होता है कि अगले जन्म में साथ जाता है, और ये ज्ञान धन तो जन्म बाई जन्म साथ ही जाएगा। और वो भी कौन सा ज्ञान धन? अनेक मनुष्यों का तुंडे तुंडे मत भिलना वाला ज्ञान नहीं, एक से जो ज्ञान आता है ऊंचते ऊंच भगवान से, ऊंचते ऊंच भगवंत से, वो ऊंचते ऊंच ज्ञान से तुम अविनाशी प्राप्ति करते हो, क्षणभंगुर प्राप्ति नहीं करते हो, है आधा कल्प तो पक्की प्राप्ति करते हो। और फिर आधा कल्प जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसी वैसी प्राप्ति करेंगे। अभी तुम यहां हैं तो डबल फैंथ्रोपिस्ट हैं, क्या धन दान भी करते हो, है तन की शक्ति का भी दान करते हो और मन की शक्ति का भी दान करते हो, और साथ में जो अविनाशी धन है उसका भी दान करते हो। तो अविनाशी और विनाशी दोनों धन का दान करने वाले तुम डबल फैंथ्रोपिस्ट, समझा ना बच्चे? क्योंकि विनाशी धन की भी दान करते हो ना, तो अविनाशी ज्ञान धन का भी दान करते हो। क्योंकि तुमको अविनाशी ज्ञान धन की झोली अभी बढ़ती जाती है, अविनाशी ज्ञान धन की झोली कैसे? देने वाला कौन है? अविनाशी ज्ञान धन की तुम्हारी झोली कैसे बनती है? देने वाला जैसा होगा वैसी तो तुम्हारी झोली बनेगी। देने वाला कैसा है? कैसा है? अविनाशी है। हाँ अविनाशी है। कौन सी आत्मा अविनाशी है? हैं? हैं? शिव बाबा तो लिखा अभी, आत्मा एक आत्मा है कि ये दो आत्मा है? शिव बाबा कौन सी आत्मा अविनाशी है? दोनों अविनाशी है। कैसे? अविनाशी माने जो इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सदा काल रहे, आज भी रहे, भूत में भी रहे, वर्तमान में भी रहे, भविष्य काल में भी रहे, कभी लोप न हो। तो तो ये जो मुकर्रर रथधारी है ना, है ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और तुम्हें कहाँ रहना? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह करके सुख दुख भोगने वाली सृष्टि में रहना है या आत्मलोक में रहना है सदाकाल? कहाँ रहना है? हाँ तो तुम्हें जो अविनाशी सुख चाहिए वो किससे मिले? तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। अरे किसके सामने जाके कहते हैं झोली भर दे? जिसकी अपनी बुद्धि रूपी झोली भरी हुई होगी अविनाशी अकूट ज्ञान धन से, धन संपत्ति से, तो वो दूसरों की भी भरेगा। और बाप कहते हैं ये जो अविनाशी ज्ञान धन देते रहेंगे ना, तो ये भी तो धन है ना बच्ची, इस धन को एक एक ज्ञान के वर्षंस को कहेंगे ये लाखों रुपए का है। अभी वो भक्ति मार्ग का तो नहीं है। भक्ति मार्ग में जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो कहते हैं हम ज्ञान सुनाते हैं, अब ज्ञान तो एक से आता है और अज्ञान अनेकों से आता है। पहचान क्या है? ज्ञान से सुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। तो जन्म जन्मांतर तुम जो विद्वान पंडित आचार्यों से ज्ञान सुनते आए हो, नाम कह दिया ज्ञान
और उससे रिजल्ट क्या हुआ, दुखी होते आए हो, जन्म जन्मांतर दुख बढ़ता गया या कम हुआ? बढ़ता गया ना, तो ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? ज्ञान तो नहीं हुआ। ये तो भक्ति मार्ग का ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है, क्योंकि अनेकों के द्वारा दिया जाता है, है? ज्ञान तो वास्तव में एक से आता है, ऊंचे ते ऊंचा करता, तो वो बैठ करके सुनाते हैं, तो तुमको ये आमदनी अविनाशी मिलती है। ऐसे थोड़े ही कि आज मिलती है कल अगले जन्म में खलास हो जाएगी, नहीं। पैसा मिलता है तो उनको सबको मिलता है, है जो आकर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि वो भक्ति मार्ग में कोई भविष्य के लिए पढ़ते हैं, वर्तमान एक जन्म के लिए पढ़ते हैं कि भविष्य के लिए पढ़ते हैं? एक जन्म के लिए पढ़ते हैं। ये वेद, ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये सब इसी एक जन्म के लिए, अगले जन्म में तो सब भूल जाएंगे। तो वो ऐसे थोड़े ही समझते हैं, हैं कि भविष्य के लिए शास्त्र बने हैं? नहीं, भविष्य के लिए तो तुमको पहले तो पतित से पावन बनना पड़े, बस पतित से पावन बनाने के लिए ही बैठ करके समझाते हैं। हाँ, कौन है? बाप कि दादा कि सिर्फ बाबा है? वो सुप्रीम सोल बाप वो है समझाने वाला, लेकिन उनको मुख ही नहीं है तो समझाएगा कैसे? मुख अर्थ में प्रवेश करके समझाते हैं। एक ये समझाते हैं और दूसरा, तुम बच्चे सभी सृष्टि के आदि मध्य अंत, ये ड्रामा कहो, इसके आदि मध्य अंत और ड्यूरेंस ड्यूरेशन को समझ जाते। अभी तुम इस सृष्टि के, इस ड्रामा, बेहद ड्रामा के ड्यूरेशन को कोई मनुष्यत्र से पूछेंगे, मनुष्य मात्र से, विद्वान पंडित आचार्य कोई से भी, इस ड्रामा की ड्यूरेशन कितनी है, है? तो वो तो कहेंगे लाखों वर्ष है, उसका हिसाब बताओ। लाखों वर्ष इसीलिए तो बताया कि कुछ भी हिसाब न बताना पड़े, है? तो बाप कहते हैं लाखों वर्ष तो है ही नहीं, और जो है उसका हिसाब भी बताते हैं, तो वो बोलते हैं लाखों वर्ष। तो देखो कहते हैं ना, ये रिपीट लाखों वर्ष के बाद ये चारों युगों का, चार सीन का ड्रामा रिपीट होता है। उन्होंने भी शास्त्रों में लिखा है ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, रामायण में लिखा ना, प्रभु तो राम को कहते हैं, कल्प हल कल्प में त्रेता युग में राम आते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो उनसे पूछेंगे, वो कभी भी नहीं तुम्हें ड्यूरेशन की बात बताएंगे, है? कोई एक भी साधु संत महात्मा नहीं है, नहीं तो आकर समझना है, पूछना है। तो जाकर के उनसे पूछो, कभी भी कोई ऐसा तुमको नहीं कहेगा, है, कि इस दुनिया का ड्यूरेशन 5000 वर्ष है, और ना हिसाब बताएगा, है? क्या हिसाब? जो बाप बताते हैं कि सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, है, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ऐसे क्यों बढ़ते क्यों जाते हैं? क्योंकि सुख भोगते जाते हैं, आत्मा की शक्ति छीन होती जाती है, तो आत्मा फिर
कम जन्म लेगी कि ज्यादा जन्म लेगी? आत्मा की आयु जन्म बाई जन्म कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? सुख भोगने से आयु कम होगी ना, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई ना। तो आजकल के समय में जबकि विनाश सामने खड़ा है, तभी कोई कोई कहते रहते हैं अरे ये तो महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अंदर अंदर सिविल वार चल रही है। किसी किसी सिविल वार है? हाँ, सिविल वार माने जब अनेक धर्म होते हैं तो अंदर अंदर लड़ाई लड़ते हैं। भले बाहर से युद्ध दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर में तो वाचा से कर्मणा से दृष्टि से युद्ध करते हैं ना, लाल लाल पीली आंखें करके। हाँ, तो अनेक धर्मों की लड़ाई, अनेक राज्यों की लड़ाई, और देखो अभी तो प्रजातंत्र शासन है। तो उसमें प्रजातंत्र शासन में क्या होता है? अनेक राज्य। तो अनेक राज्यों में लड़ाई होती है कि नहीं? स्टेट्स में है। हाँ, स्टेट स्टेट में लड़ाई, और फिर भाषाओं की लड़ाई, हर स्टेट की अपनी भाषा अलग अलग, तो भाषाओं के आधार पर भी लड़ाई है कि नहीं? और फिर जातिवादी की लड़ाई है कि नहीं? हाँ, जातिवादी की लड़ाई लड़ते हैं ना। हाँ, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, वो कहे उन्हें की बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। हाँ, क्योंकि नीची जाति के लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो बताया कि अंदर अंदर ये सिविल वार भड़कती रहती है, और समझते हैं कि भाई ये कभी 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 क्या होगा, जैसे भूसे का भरा हुआ हाल हो और उसमें अंदर कहीं से चिनगारी छोड़ दी जाए तो अंदर अंदर सुलगती रहेगी ना। कभी भभूका फूटेगा कि नहीं फूटेगा? है, फूटेगा। तो समझते तो हैं, कहते भी रहते हैं ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। क्या महाभारत है? शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? कब लगी थी लड़ाई? कहते हैं 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। और क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। पैराडाइज से पहले जरूर भगवान ने आकर के जब पैराडाइज स्थापन किया है, देवताओं की स्वर्ग की दुनिया डीटीज की स्थापन की, तो जरूर नरक था। नरक को आकर के भगवान ही स्वर्ग बनाता, न कि कोई धर्म पिता ही बनाते हैं। है? अरे ये विधर्मी धर्म पिताएं कोई स्वर्ग बनाते हैं क्या? नहीं, एक ही हेवनली गॉड फादर है जिसने क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले आकर के क्या किया था? है? नरक को हेल को हेवन बनाया था इस दुनिया में। तो तब भी 5000 वर्ष हुए ना, ये लड़ाई लगी थी। और भी देखो, ये दुनिया में जब से द्वैतवाद आता है तभी तो दो आपस में लड़ते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें होती हैं ना। कब से हुए? हिस्ट्री तो है ना मनुष्यों के पास, 2500 वर्ष से हुए, जब से ये इब्राहिम आया ना पहला पहला विधर्मी धर्म पिता, तब से ये लड़ाई दंगा शुरू हुआ, धर्मों की लड़ाई शुरू हुई ना, धारणाओं की। तो बताया ये द्वैतवादी दुनिया में ये लड़ाई झगड़े की दुनिया है, दुखदाई दुनिया। तो 2500 वर्ष की दुखदाई लड़ाई झगड़े की दुनिया, तो सुख शांति की दुनिया भी कही रही होगी कि नहीं? तो भगवान आकर के 2500 वर्ष की सुख शांति की दुनिया स्थापन करते, और मनुष्य मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य मनुष्य आपस में मनसा में मनमताओ वाचा में लड़ाई, दृष्टि का युद्ध है, कर्म इंद्रियों की लड़ाई लड़ते रहते। तो ये 2500 वर्ष से ये लड़ाई चलती रहती है। हाँ, बताया 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी है। तो कभी कभी मनुष्यों के इनसे निकलते हैं, सो भी अभी जो तुम सुन सकते हो और तुम जानते हो कि ये सभी गपोड़े मारते रहते हैं।
कि दुनिया लाखों वर्ष की है, क्योंकि समझते भी है ना, कुछ न कुछ सुनते तो रहते हैं, जो तुम कहते हो सो सुनते रहते हैं भाई। तुमने घोषणा की है क्या, सन 67 में क्या घोषणा की थी, 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो अब कहेंगे अगले साल 9 वर्ष के बाद ये विनाश होगा, तो 9 वर्ष के बाद विनाश होगा, क्या होगा, ये सब बात कोई उनकी बुद्धि में नहीं है, किनकी बुद्धि में है, वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं ना, विद्वान पंडित आचार्य, उनकी बुद्धि में है, उनकी बुद्धि में, उनकी शूटिंग करने वाले कोई है ब्राह्मणों की दुनिया में, नहीं है। अच्छा, उनकी बुद्धि में है, उनकी बुद्धि में है कि 7 वर्ष के अंदर, 9 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर दुनिया का विनाश होगा, है? बुद्धि में नहीं होगा, क्या विनाश होगा, कैसे विनाश होगा, यानी वो तो समझते हैं कि बरोबर ये मूसल हैं, मिसाइल्स, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या कि यादवों के पेट में से मूसल निकले और उन लोहे के मूसलों से उन्होंने आपस में एक दूसरे की मारामारी करके खुद भी खलास हो गए और सारी दुनिया को भी खलास कर दिया। अब ये नहीं जानते हैं कोई पेट में से मूसल थोड़े ही निकलते हैं लोहे के, ये तो बुद्ध रूपी पेट है, जिस बुद्ध रूपी पेट में से ये मिसाइल्स निकलते हैं, है? लोहे के जो अणु अणु अलग अलग करते हैं ना, तो उससे मिसाइल्स बनते हैं, एटम बम बनता है, तो इनके साथ विनाश होता है, ये तो है ना, हा? अरे ये चीज जो 5000 वर्ष पहले विनाश हुआ था, हा? वो अभी भी है या नहीं, वो चीज, वही चीज अभी भी है, जरूर है, परंतु होगा क्या, कौन मरेंगे और कौन जिएंगे, क्या सभी इंद हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे, हा? अरे भले सभी खंड खलास हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी खंड भारत खंड गाया हुआ है, ये भारत खंड खलास नहीं होगा, हा? ये तो जरूर रहेगा। ये कैसे, अरे दुनिया में जितने जितने ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, हाँ, तो उन ऊंचे पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है, हाँ? भारत में, और भारत में सो पहाड़ के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाँ? हाँ? कहते हैं सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट चोटी, ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, भारत का नाम है सुमेरु पर्वत, शास्त्रों में लिखा है कि वहां सोने चांदी का भंडार है, सुमेरु पर्वत में, है ना, वहां सोने की दुनिया में देवताएं रहते हैं, ऐसे समझते हैं। तो कहां की बात, अरे जब ऊंचे थे ऊंचा भगवंत ने आकर के नई दुनिया बनाने का राज समझाया था, तो क्या विनाश भी हुआ था ना, एटम बम फटे थे, तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी डावाडोल हुई, हुई ना, भूकंप हुआ ना, हाँ भूकंप हुआ, तो फिर बड़े बड़े भूकंप आने से क्या होता है, ज्वालामुखी फूट पड़े, समंदर में भाजपा के समंदर है ना, 7 समंदर बड़े बड़े और 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, तो सब में जोर जोर से ज्वालामुखी फूटे और चारों तरफ ज्वालामुखी की गर्मी बढ़ गई। उससे पहले क्या हुआ, एटम बम फटे, तो एटम बमों की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं, और ये सब गर्मी बढ़ती है तो जो
मनुष्यों ने ये सब किया ना, तो मनुष्यों की दुनिया में रावण संप्रदाय जब ऐसा करते हैं तो फिर मनुष्यों का बाप कौन है? आदम है ना, एडम, अर्जुन है, आदिदेव, महादेव, तो उसके लिए गया हर हर बम बम। वो फिर कहता अच्छा तुमने ये विनाश करवाई दिया, तुम्हारा बाप आया हुआ है तुम्हारा भी विनाश कर देगा, और तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको खलास करेगा। तो कौन जिएंगे? जो बाप की मत पर चलेंगे सो जिएंगे, और बाकी सब इस विनाश की विभीषिका में खलास हो जाए। तो कहां जाके जिएंगे? समंदर है, उसमें जब गर्मी बढ़ती है एटमिक विस्फोट से और भूकंपों से, और सूरज गर्म होता है, बहुत तपता है, तो फिर क्या होता है? है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ जाते हैं। क्या कहा, आते हैं कि नहीं? आते हैं। और जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो भी आपस में टकराते हैं, तो उनके टकराने से ये जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का बच्चा उपग्रह है ना, कहां से निकला? पृथ्वी ग्रह से निकला, तो बच्चा हुआ ना, तो वो अम्मा की गोद में आके गिर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर से ही निकला था, प्रशांत महासागर में ही समा जाता है, तो और भी ज्यादा पानी उछाल मारेगा है नहीं मारेगा? हाँ। तो इतनी बाढ़ आ जाती है दुनिया में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, क्या हाँ, जो विधर्मी है ना, उनके अपने अपने धर्म खंड है ना, जैसे क्रिश्चियंस का धर्म खंड यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है बौद्धियों का धर्म खंड है, ये क्या तिब्बत, चीन, जापान वगैरह वगैरह, ये सब, और मुसलमानों का अफ्रीका, अरब देश, ये सारे ही, और यहाँ इनके महाद्वीपों के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब डूब जाते हैं जलमयी में, समझा? एक पहाड़ हिमालय पहाड़, उसका भी ज्यादा हिस्सा डूबता है, लेकिन वो चोटी जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है सुमेरु पर्वत, वो बचा रहे। तो बताया जो बचेंगे, तो भारतवासी तो नजदीकी है उस चोटी के, हिमालय पहाड़, वो फिर जैसे जैसे स्तर पानी का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं। अरे कहीं बाढ़ आ जाए है? तो लोग क्या करते हैं है? किसी की चार मंजिल की मकान होगा तो चौथी मंजिल पर चढ़ जाएंगे कि नहीं? भाई चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जब बाढ़ आई, अरे तो फिर क्या होता है? सब जो बचे बचाए हैं, जिनके लिए कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी तो फिर खुदा के बंदे, खुदा की मत पर चलने वाले बड़े मौज में, बड़े आराम से धीरे धीरे हिमालय के पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते कहां इकट्ठे हो जाएंगे? वो ही मेरु पर्वत, सुमेरु है क्या शिखर, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, वो जिएंगे। हाँ, तो कोई पूछते हैं क्या ये सभी खंड खत्म हो जाएंगे है? बाकी ये भारत खंड ही रहेगा। तो समझ में आया, सभी खंड क्यों खत्म हो जाएंगे, भारत खंड ही क्यों बचेगा? क्योंकि भारत खंड में ही वो ऐसा एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी डूबती नहीं है। तो इन बातों का थोड़े ही किसी को पता है कि वो स्थूल चोटी भी नहीं डूबती, और जो चोटी का ब्राह्मण है वो भी नहीं डूबता, मरता।
बाकी तो सब क्या होता है, डूबने से पहले अपने शरीर रूपी धरणी को छोड़ करके मन मना भव उसी बाप के मन में समाए जाते हैं। मन मना भव का मतलब है मेरे मन में हो जा, मेरे मन में है क्या है बिंदु, बाप याद है तो तुम सबके मन में भी क्या हो जा, जो मेरे मन में संकल्प सो ते तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना है वो चलते रहेंगे है? चलते रहेंगे नहीं चलेंगे, खलास हो जाएंगे। तो इन बातों का किसी को पता नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत दिन बचा है, दिन प्रतिदिन ये जो भी है साइंस घमंडी क्या वो अब समझते जाते हैं। कैसे कैसे समझते जाते हैं कि अरे ये एटम बम इतनी ज्यादा तादाद में देश देशांतर में बन गए हैं, अगर एक ने विस्फोट करना शुरू किया तो है तो दूसरा भी विस्फोट करेगा और फिर क्या होगा अंजाम, हम भी उसमें खलास हो जाएंगे। तो वो साइंस घमंडी समझते जाते हैं कि अब हमारा भी मौत सामने खड़ा है। ये तो हम अपने अपने आप ही अपने कुल का खून करते हैं है? क्रिश्चियंस नहीं बनाए ना है? एक नास्तिकवादी और एक गिरजाघर को बाइबल को क्राइस्ट को मानने वाले। तो जो मानने वाले हैं है? वो हैं आस्तिक और जो न मानने वाले वो वही नास्तिक। तो एटम बम किसने बनाए, नास्तिकों ने बनाए। तो उनका खारा कुल न नास्तिक बचेंगे न आस्तिक बचेंगे। ये जो बनाए हैं सबका खून करने के लिए बनाए, समझे ना। इसलिए इनका अर्थ है देखो आपस में करते रहते हैं ना, दुनिया वालों को नहीं बताते हैं, आपस में लेन देन करते हैं कि अरे अंजाम क्या होगा, क्या होगा है? क्या होगा अंजाम, सारी दुनिया खलास होने वाली है। तो तरकीब निकालते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये एटमिक एनर्जी को बड़े बड़े कारखाने बनाने में यूज करना चाहिए, ऐसे खलास कर देंगे, नहीं तो ग्रह उपग्रहों पर बड़े बड़े क्या बनाएंगे, हाँ अपने बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, उनमें इस एनर्जी को खलास कर देंगे, इनको समुद्र में डाल देना चाहिए, हाँ एक एक करके धीरे धीरे समुद्र में तो ठंडे हो जाए, या इनका इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। परंतु डिस्ट्रक्शन तो है, डिस्ट्रक्शन तो होने का ही है, ऐसे कभी कोई बेवकूफ होगा जो इतने पद्मों रुपए खर्च करके ये जो एटमिक एनर्जी मिसाइल्स वगैरह बनाए हैं है, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो सरकारें बेवकूफ हैं क्या, देश देशांतर की नहीं, इनको डुबो देंगे, बिल्कुल नहीं डुबो देंगे, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे ये हैं ही मिसाइल्स, वो ही 5000 साल पहले महाभारी महाभारत युद्ध के, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ क्या, हाँ इतिहास पुनरावृत्ति होता है जरूर। तो ये 5000 वर्ष पहले भी ये मिसाइल्स काम आए थे, किस काम आए थे, पुरानी तमो प्रधान दुखदाई दुनिया को खलास करने के काम आए थे। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज,
चौथी लाइन। तो जिन एटम बमों से, मिसाइल से, जिनसे अनेक धर्म खलास हो गए और एक सद्धर्म की स्थापना हो गई थी, हुई थी कि नहीं? हुई थी। तो तुम बच्चे अभी जानते हो अच्छी तरह से कि ये हम योग बल से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, और वो दुनिया वाले जो भोगी है ना, भोगवाद में लगे हुए हैं, है वो तो ऐसे ही खलास हो जा रहे। तुम बच्चों में भी जो भोग भोगने में इंद्रियों के लगे हुए हैं, बुद्धि वहीं रमी पड़ी है, तो वो भी नंबरवार अपना पद सुख की दुनिया का खलास करते रहेंगे। सुख की दुनिया जो भगवान ने बनाई उसमें तो खलास नहीं होगा, उसमें तो सभी खुशी रहे, खुश रहेंगे कि नहीं? सभी खुश रहे। लेकिन जो विधर्मी की दुनिया बनती है ना, उसमें भी है उनका जो पद है वो नीचा होता जाएगा और दुखी होते जाएंगे, उनके प्रभाव में आते। ओम शांति।